Hello friend, today we start a new chapter, that is set. So first of all, we know about what is a set. Definition of set. So, actually set is a collection of object, well defined collection of object. Set को हम कह सकते हैं कि set क्या होता है, एक well defined collection of object होता है. किसी भी object को अगर आपने well defined collection किया, तो वो आपको set कहलाएगा. अब यहाँ पे एक बहुत ही important चीज आती है. एक जो कीवर्ड हमारा वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि आप किसी न किसी रूल के बेसिस पे पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप कलेक्शन बताइए, आप एक कलेक्शन बनाइए क्लास में जितने बॉयज है उसका. तो क्लास में जितने बॉयज है उसका अगर देखा जाए तो क्लास में क्या होता है? गर्ल्स होती है, बॉयज होती है, या फिर टीचर होगा. अगर मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास में बॉयज का वो सेट बनाइए, कलेक्शन बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आप क्लास में जाएंगे, जितने बॉयज होंगे उसको एक साइड कर देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे. तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया. मैंने इसमें एक सेलेक्ट करने के लिए एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन कलेक्शन में आएगा, सेलेक्ट करने के लिए एक रूल बनाया कि वो जो भी एलिमेंट उस सेट में आएगा वो बॉयज होना चाहिए. जैसे ये एक रूल हो गया, तो ये वेल डिफाइंड हो गया. अच्छा, अब वेल डिफाइंड कौन सी चीजें नहीं होती? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आप कलेक्शन बनाइए बेस्ट प्लेयर का आप एक कलेक्शन बनाइए, तो आप किसी भी प्लेयर को बैड नहीं कह सकते. अगर आप इंडियन टीम में 11 प्लेयर की अगर एक टीम बनाई जाती है, तो उसमें प्लेयर इंडियन टीम में 16 17 18 पता नहीं कितने होते हैं, लेकिन उन सब में से जब अगर 11 की टीम बनाई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो बचे वो बेकार है. वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये होता है, वेल डिफाइंड कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब होता है, आपके पास सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई वैलिड रूल होना चाहिए. उस रूल के बेसिस पे आप कलेक्शन के एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि सेलेक्ट मोर टैलेंटेड बॉय इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं उसमें से टैलेंटेड बॉय का एक कलेक्शन बनाइए. तो अगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं उसमें से जो टैलेंटेड बच्चा है उसका एक कलेक्शन बनाइए, तो आप कंफ्यूज जाएंगे कि किसी कलेक्शन में रखा जाए, किसी कलेक्शन में ना रखा जाए. किसी की आर्ट बहुत अच्छी होगी तो आप उसे कहोगे बहुत अच्छा है, मोर टैलेंटेड बॉय. किसी का सपोज करिए कि यू कह सकते हैं मैथ अच्छी होगी तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड बॉय, उसे भी आप कलेक्शन में रख लेंगे. तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होगी. कोई बच्चा एक्टिंग बहुत अच्छा करता हो तो उसे भी आप कहेंगे बहुत अच्छा है, तो आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन अगर मैं इसी चीज में एक रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूं, रिस्ट्रिक्शन कैसे, मैं कह दूं कि मैं क्या कर रहा हूं, एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं. कलेक्शन कैसा बना रहा हूं? एक कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं. कलेक्शन कैसा? टैलेंटेड बच्चों का कलेक्शन बना रहा हूं. लेकिन टैलेंटेड कौन होंगे? टैलेंटेड वो होंगे जो पिछले टेस्ट में, अभी जो पिछला टेस्ट हुआ, सपोज कर लें प्रीवियस वीक कोई टेस्ट हुआ होगा, प्रीवियस वीक के टेस्ट में 50% से अबव मार्क्स पाए होंगे. अगर ऐसे बच्चे हैं जो 50% से अबव मार्क्स पाए हैं, उन्हें मैं बोल रहा हूं टैलेंटेड. अगर मैं ऐसा इस तरह से टैलेंट को डिफाइन कर रहा हूं कि टैलेंट ये है कि 50% से अबव मार्क्स पाने वाले बच्चे टैलेंटेड माने जाएंगे, तो अगर आपको ये करना होगा कि आपको टैलेंटेड बच्चों का कलेक्शन बनाना होगा, तो ये वेल डिफाइन होगा. आप जाओगे, आप किसी बच्चे को सेलेक्ट करना या नहीं, तो उससे क्या पूछोगे? प्रीवियस वीक की मार्कशीट ले आओ, प्रीवियस वीक की मार्क्स में देखोगे, अगर वो 50% से अब पाया होगा तो वो सेलेक्टेड, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा. तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का ये मतलब होता है. वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब कि आपके पास सिलेक्शन के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर रूल होना चाहिए. रूल के बेसिस पे आप किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ऐसे ही नहीं कर देंगे. फिर कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सेट के कौन कौन से. जैसे कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर्स, जैसा मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर्स फ्रॉम ए टीम ऑफ 20 प्लेयर्स. आप ये कह सकते हैं 20 लोगों की टीम में से 11 बेस्ट प्लेयर को सेलेक्ट करना है. तो 11 बेस्ट प्लेयर कोई बेस्ट, हर एक प्लेयर जो 20 लोग हैं, हर एक प्लेयर अपने आप में बेस्ट होंगे. किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बेटर आता होगा, किसी की बॉलिंग अच्छी होगी, किसी की बैटिंग, किसी की कीपिंग, किसी की फील्डिंग, कुछ भी हो सकता है. तो आप बेस्ट उसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें से आप बेस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास, क्योंकि ये बेस्ट डिफाइन नहीं है कि किस बेसिस पे हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर प्लेयर बेस्ट है या नहीं. तो इसे अगर मैंने बेस्ट को डिफाइन नहीं किया तो आप इसमें इसका आप कलेक्शन नहीं बना सकते, इसका सेट. तो अगर मैं ये कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ, अगर मैं एक एग्जांपल कहता हूं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर
तो क्या ये सेट होगा? सेट नहीं होगा। सेकंड देखिए, अच्छा अब यहीं पे अगर मैं बेस्ट को डिफाइन कर दूं, मैं कह दूं कि बेस्ट प्लेयर वो है जो वन ओवर में 18 मार्क्स, वन ओवर में 18 रन मार सकता है। अगर मैं ये कह दूं कि बेस्ट प्लेयर वो होगा जो एक ओवर में 18 रन प्ले कर सकता होगा, 18 रन बना सकता होगा, तो मैं क्या करूंगा, एक एक ओवर सबको बॉल करा दूंगा। बॉल कराने के बाद अगर जो एक ओवर में 18 से रन मार दे उसे मैं कह दूंगा ये बेस्ट है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से मैंने बेस्ट को डिफाइन किया, इस तरह से डिफाइन किया कि बेस्ट प्लेयर वो है जो एक ओवर में 18 रन या उससे अबव रन बना सकता है, तो वो बेस्ट कहलाएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 प्लेयर फ्रॉम ए टीम ऑफ 20 प्लेयर्स, इसमें हम तब उसे सेट कर सकते हैं, सेट कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास, मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास एक तरह का सेट है। फिर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है? नेचुरल नंबर का भी कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। नेचुरल नंबर का कलेक्शन सेट कैसे कहलाएगा? आप श्योर हो कि कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है, ये आप जानते हैं। इसके सेलेक्ट करने के अपने रूल है। काउंटिंग नंबर जो होगा जीरो को छोड़कर जो काउंटिंग नंबर होगा वही क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ये आपके पास रूल है। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 5/2 नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं 5/2 नेचुरल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि काउंटिंग में नहीं आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे काउंटिंग नंबर है, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। तो इसे आप सेट कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है ये सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नंबर n, कलेक्शन ऑफ नंबर n, मैं नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, विच इज ग्रेटर देन 4 लेस देन और इक्वल टू 5, उन नंबर्स का कलेक्शन आपको बनाना। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यहां मैं वर्ड ऐड कर देता हूं, नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4 लेस देन और इक्वल टू 5, उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताइए जो 4 से बड़े हो और 5 से छोटे हो। तो 4 से बड़े नेचुरल नंबर कौन सा? 4 से बड़े और 4 के बराबर भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ है। तो ऐसा नेचुरल नंबर का कलेक्शन आपको बनाना है जो 4 से बड़े होंगे, 4 या 5 से छोटे। तो ये सेट बनेगा क्योंकि हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इस सेट में, इस कलेक्शन में आएगा, कौन सा नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ क्या 7 इसमें आएगा कलेक्शन में, तो आप कहेंगे 7 जो है 4 से बड़ा है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। 5 से छोटा नहीं है, 5 से भी बड़ा, लेकिन हमारे कलेक्शन में जो एलिमेंट आना चाहिए वो 4 से बड़ा आना चाहिए और 5 से छोटा आना चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि ये सेट में ये उस कलेक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे एक रूल है सेलेक्ट करने के लिए, एक रूल है एक इस कलेक्शन के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए एक रूल है। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला भी क्या है, सेट। तो पहला हो गया, पहला सेट कब होगा? जब बेस्ट डिफाइन होगा। दूसरा सेट है, तीसरा, थर्ड पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में कितने लेटर्स है, सारे लेटर्स कितने लेटर्स है, तो ये हम बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स वर्ड में कौन कौन से लेटर आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स यार मैं स्पेलिंग लिखू MATHE, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के वर्ड में कौन सा आएगा? अगर मैं कहूं कि क्या वाई कलेक्शन का, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो जो लेटर आ रहे हैं उसका आप कलेक्शन बनाए, तो ये सेट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि आप श्योर हैं कि कौन सा लेटर जो है मैथमेटिक्स वर्ड में आएगा या नहीं। जैसे मैं कहूँ वाई क्या इस कलेक्शन का पार्ट होगा? वाई इस कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाई मैथमेटिक्स में कहीं नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। वेल डिफाइन का आपको मतलब समझना है, वेल डिफाइन का मतलब आपको समझना। अच्छा, अगर मैं ये कहूंगी क्या ये सेट है ऐसे नेचुरल नंबर का, ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 4, 5 एंड लेस देन 5, तो इसमें जो एलिमेंट की एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना, रूल पे है, 4 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर को अगर हमें सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम उस नंबर को उठाएंगे और ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो 4 से बड़ा हो, 5 से छोटा है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो कलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, वरना कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, और ऐसे कलेक्शन को फिर हम सेट बोलेंगे। तो ये सेट है, हालांकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो, पर फिर भी ये सेट है, ये कलेक्शन है, ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर ये एम्प्टी कलेक्शन, आप ये कह सकते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो अभी बाद में जब हम टाइप पढ़ेंगे इसके बारे में कि सेट के टाइप क्या होते हैं, तो उसमें एक एम्प्टी सेट भी आता है,
तो अभी मैं बीजी बता रहा था कि कैसे ये सेट है। सेट कहने का मतलब कलेक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, बस आप यही मत लो। नेक्स्ट वी नो अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। सो सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ये हो जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, या कोई भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, इंटीजर्स को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था, या जेड से इंटीजर किया रिप्रेजेंट किया था। इंटीजर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जब हमें पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करना होता है तो आई प्लस कर देते हैं, रियल नंबर को आर से, रेशनल नंबर को क्यू से। ये रिप्रेजेंटेशन है। नेचुरल नंबर का सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल एन से, कैपिटल एन इज ऑलवेज एज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से, ये हो गया। इसके बावजूद अगर हमें उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना होगा, एक फॉर्म अगर लिखना, जैसे हमें नेचुरल नंबर के बारे में तो हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक ये सारे एलिमेंट है, लेकिन अगर किसी ने किसी और टाइप का सेट क्रिएट किया जिसके एलिमेंट रैंडम है, मतलब रैंडम है और इस तरह के रूल पे नहीं, जैसे ये सारे हम बचपन से पढ़ते आ रहे तो ये हमें मालूम है कि इसमें कौन कौन से आएंगे। तो अगर किसी ने ऐसे सेट का फॉर्मेशन किया जिसके एलिमेंट कुछ रैंडम आए, जैसे किसी ने अपना पासवर्ड का, अपने पासवर्ड के एलिमेंट, अपने पासवर्ड के जो भी कैरेक्टर है उनका एक सेट बना दिया, तो जैसे किसी ने पासवर्ड बनाया 426 एक पासवर्ड सपोज कर लेते हैं, 426@123 ऐसे मान लेते हैं, तो इसके एलिमेंट कौन कौन से हुए, 421@123 इस तरह से। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं ना है, ये तो बस एक पासवर्ड के कैरेक्टर है। तो उसके एलिमेंट के साथ सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, दो रूल है इसके। पहला रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म में क्या है, रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट करते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कामा से सेपरेट कर देते हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है। नेचुरल नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो दो कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और उसके एलिमेंट को 1 2 3 4 एलिमेंट उसको कामा से सेपरेट कर देंगे, 4 है 5 है 6 है डैश 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 इनफाइनाइट में बढ़ता चला जाएगा। तो ये रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। इसी तरह से रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर करना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो इक्वल टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर ही नेचुरल नंबर होते हैं जिसे बोला जाता है। और अगर आपको रियल नंबर का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो आप क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे, 7/9 लिख देंगे, इनफाइनाइट नंबर इस तरह से आएंगे। रियल नंबर कुछ भी होते हैं, फ्रैक्शन पी एफ आर क्यू के फॉर्म में, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिस चीज को अभी हमने एलिमेंट को जैसे हमने अभी लिखा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन में ये कहता हूं कि एक सेट है, जिसकी जिसमें नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं, उस नेचुरल नंबर की वैल्यू 4 से ग्रेटर 10 से छोटी है, 4 से ग्रेटर 10 से छोटी है, तो आप जानते हैं वो नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से, 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ये उसके एलिमेंट हो जाएंगे। तो एक तो तरीका रोस्टर फॉर्म में था कि 5 6 7 8 9 को कामा से सेपरेट किया जाए विद इन कर्ली ब्रैकेट और ये बोल दिया जाए कि ये वो सेट है, ये वो सेट है, इस तरह से हम बोल दें। दूसरा तरीका ये रोस्टर फॉर्म होगा, दूसरा तरीका जो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको एलिमेंट को नहीं दिखाया जाता बल्कि उसका मीनिंग उसको वर्ड फॉर्म में दिखाया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको वर्ड फॉर्म में लिखा जाता है सेट को और उसकी प्रॉपर्टी को, ताकि आप उस स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट फॉर्म होता है, स्टेटमेंट को रीड करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट लाई करते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, देखिए किस किस फॉर्म में होगा। सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई कैपिटल लेटर ए बी सी डी कुछ भी, फिर विद इन कर्ली ब्रैकेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट के अंदर टू पार्ट होते हैं, एक पार्ट हमें ये बताता है कि एलिमेंट कौन सा है, फिर बीच में साइन होती है इस तरह से, या डबल कॉलम लगाया जाता है
डबल पॉइंट लगाए जाते हैं, कॉलम इसे बोलते हैं, या तो एक लाइन खींच दी जाती है लाइन, यहां पे वो चीज आएगी जो इसका एलिमेंट है, यहां पे राइट लेफ्ट साइड में वो चीज आएगी जो इसका एलिमेंट है, और राइट साइड में लिखी जाती है उसकी प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है, इसकी प्रॉपर्टी, ये वो फोर से बड़ा है, फाइव से छोटा है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, कुछ भी। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट लाइक किया जाएगा, जो एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम आया तो हम कहते हैं लेट सपोज द नंबर इज एक्स मान लिया, लेट सपोज द नंबर इज वाई मान लिया। तो वैसे ही यहां पे भी लेट सपोज द एलिमेंट ऑफ द सेट बिल्डर फॉर्म इज एक्स, तो हमने उसके एलिमेंट को एक्स मान लिया। अब ये एक्स कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी यहां लिखेंगे, बीच में एक सच दैट की साइन होगी, सच दैट के लिए या तो एक पाई आप इस तरह से लगा दे या फिर डबल कॉलम लगा दे, डबल पॉइंट या इसे कॉलम बोलते हैं। तो ये होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 2 3 4 5 6 ये कुछ एलिमेंट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है रोस्टर फॉर्म में, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हमें अगर लिखना है तो अगर मैं देखूंगा तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं, डैश 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 नहीं लगा है, सिर्फ 6 तक है, यानी 7 हमें नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है, ये एक सेट है। अच्छा ये अगर एक सेट है, इसमें नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू, हम कहेंगे ऐसा है ये जो सेट है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जो सेट है दो पार्ट होते हैं, पहला रिप्रेजेंटेशन देन प्रॉपर्टी, हम कहेंगे ए के सेट के सारे एलिमेंट को, ए के सेट के जो एलिमेंट है उसे मान लो एक्स, हम कह रहे हैं कि मान लो ए के सेट के जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स, एक्स लिख दिया। अब या तो आप पाई लगाइए, एक लाइन खींचिए, या तो आप एक कॉलम लगा दीजिए, कॉलम सिंपल लगा दीजिए, कॉलम दो डॉट होता है, ठीक है। तो ये देखिए उसके बाद एक्स की प्रॉपर्टी, हम कहेंगे ऐसा है ए में जो लाई कर रहा है वो एक्स है, और एक्स क्या है, x belongs to natural number, ये सिंबल होता है belongs to का, belongs to का मतलब x उसमें lie कर रहा है, उसमें है, x उसमें है। जैसे मैं ये कहूंगा, जैसे मैं यहां लिख सकता हूं एक सेट है, तो मैं कहूंगा 1 belongs to a, क्योंकि 1 a में lie कर रहा है, 7 does not belongs to a, 7 a में lie नहीं कर रहा, तो ये belongs to का मतलब, इसे बोलते हैं belongs, यानी इसमें आ रहा है। तो x belongs to natural number, हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म लेना है वो x है, और जो भी x है वो नेचुरल नंबर से आएगा, और x की प्रॉपर्टी क्या है कि x greater than, x less than 7, x less than 7, complete define होना चाहिए प्रॉपर्टी से, x less than 7, तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं 1 से शुरू होता है और 7 से छोटा है, 7 से छोटा इसका मतलब 1 से शुरू होता है 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप समझ गए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट किस तरह से होता है, एक पार्ट में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि एलिमेंट किस फॉर्म पे होगा, एक्स होगा वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, किस फॉर्म में होगा, और जिस फॉर्म में होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या, ठीक है। तो और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, सेकेंड क्वेश्चन, हमें सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनाना है 1 4 9 16 25 सपोज कर ले रहे हैं, तो ये क्या है, अरे हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, हर एक किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो हम कहेंगे एक जो ये जो सेट बनेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ये जो सेट बनेगा इसमें जो भी एलिमेंट लाई करेगा उसे हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर, वो कौन सा एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है, अच्छा एक्स स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है, अब एक्स स्क्वायर टाइप का एलिमेंट हो गया, अब हमें एक्स की प्रॉपर्टी लिखनी है, एक्स क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से हमने लिया 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर से लिया, और x जो है लेस देन 6 है, मतलब आप ये प्रॉपर्टी फॉलो कीजिए, नेचुरल नंबर में जाइए, नेचुरल नंबर में जाइए, और नेचुरल नंबर में से जो नेचुरल नंबर 6 से छोटा है उसे ले आइए, यानी 1 2 3 4 और 5 को ले आइए, और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 20 मिल जाएगा। अच्छा 1 लाए x की वैल्यू 1 लाए 1 का स्क्वायर किए, 1 2 लाए 2 का स्क्वायर, 4 3 लाए 3 का स्क्वायर, 9 4 लाए 4 का स्क्वायर, 16 25, देखिए वो सेट बन गया यार। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म का आप मतलब समझ लीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले प्रॉपर्टी देन, सेट बिल्डर फॉर्म में पहले क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन होगा कि कैसे हमें उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको सेट के बारे में एक चीज बता दूं। सेट बेसिकली कलेक्शन होता है, अगर सेट एक कलेक्शन अगर होता है तो उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये तीनों सेट एक ही नहीं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों सेट एक ही है। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या बताऊं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला, तो सेट में अगर आपने एलिमेंट को रिपीट कर दिया है तो उससे सेट चेंज नहीं होता, उससे सेट चेंज नहीं होता, सेट सेम होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सेट में हर एक एलिमेंट, हर एक टाइप का एलिमेंट एटलीस्ट वन बार लिखा जाए। बस कोई भी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वन बार लिखा जाए, एक से ज्यादा बार मत लिखा जाए। हालांकि उससे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे मैं अगर मैंने यहाँ 1 1 2 3 3 1 1 2 3 लिख दिया, यहाँ 1 2 3 लिख दिया, 1 को 2 times लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों सेम है। सेट बताता है टाइप ऑफ एलिमेंट, कितने टाइप के, एक वन टाइप का, एक दूसरा टू है, एक थ्री है, फोर है, इस टाइप से है, एक वन है, टू है, थ्री है। इसका मतलब नहीं, एक वन है और दूसरा वन है, ये देखिए स्टेटमेंट टाइप नहीं बता रहा, दोनों एक ही चीज है, वन वन, एक वन है दूसरा वन, ये क्या बता रहा है, एक वन है, टू है, थ्री है, अलग अलग, ये बताएगा बस कितने तरह के एलिमेंट है। तो अगर ये बताता है सेट कितने तरह के एलिमेंट है तो हमको एक चीज को दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन हम नहीं करते, जनरली नहीं करते, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें करते नहीं है, उसको लिखा नहीं जाता, ये एक फॉर्मेट है लिखने का, तरीका है। नेक्स्ट, सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सपोज करिए 1 2 3 मैंने पहले लिख दिया, फिर 2 1 3 बाद में लिख दिया, तो ये दोनों चेंज हो गए, नहीं, ये दोनों चेंज हो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता, 1 2 3 2 1 3 दोनों एक ही, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ये कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, दो क्वेश्चन हमने लगा लिए, थर्ड क्वेश्चन है 1 3 एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 3 2 6 1 3 2 and 6 आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये रोस्टर फॉर्म में है, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। अच्छा, आपको लग क्या रहा है, 1 2 3 6 क्या हो सकते हैं, 1 2 3 6 6 को डिवाइड करने वाले नंबर 1 2 3 6 होते हैं, यानी 6 के प्राइम फैक्टर, 6 के फैक्टर नॉट प्राइम फैक्टर, यानी 6 किससे डिविजिबल होगा, 6 किससे डिविजिबल होगा, 6 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, और 6 से डिविजिबल होगा, अपने आप से डिविजिबल होगा। अच्छा, आप लोग 11th में आ चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 11th में आने के बाद काफी सारी चीजें बदल जाती है। जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूंगा 6 किससे डिविजिबल होगा, तो क्या 1 2 3 6 ही है, नहीं, उसके बाद भी नंबर है, -1 -2 -3 -6 इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इंटीजर की बात कर रहे हैं या नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। देखते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ 1 2 3 6 है, यानी ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और ये डिवीजर है, किसके डिवीजर है, 6 के, 6 को डिवाइड करने वाले, तो 6 के डिवाइजर है, तो ठीक है, तो इसका हम सेट बनाते हैं। जब हम इसका सेट बनाने जाएंगे तो हम कहेंगे ए, ए के अंदर क्या है, एक एलिमेंट लाई कर रहा है, वो कौन सा एलिमेंट है, एक्स, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और एक्स इज डिवीजर ऑफ 6, एक्स इज डिवीजर ऑफ 6, यानी एक्स 6 को डिवाइड कर देगा, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले से ध्यान से देखते हैं, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर, लेकिन ऑड नंबर कौन से ऑड नंबर, 10 से पहले वाले ऑड नंबर, 10 से पहले के सारे ऑड नंबर। अच्छा, -1 क्या है, -1 भी ऑड है, -3 भी ऑड है, तो ये ऑड नंबर है, 10 से पहले वाले ऑड नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, ए के बारे में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, तो हम कहेंगे ए क्या है, ए एक्स है, चाहे ए एक्स है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
x belongs to natural number और x is not divisible by 2. x 2 से डिवाइड नहीं होगा, x is not divisible by 2 and x less than 10. x की प्रॉपर्टी मैंने बताया, x क्या है, नेचुरल नंबर, x 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते और x 10 से छोटा होना चाहिए. तो नेचुरल नंबर हम शुरुआत कहां से करेंगे, 1 से. क्या 1 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 1 आ गया. 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 पे जाएंगे, 10 पे जाना नहीं है, 10 से हमें रोक दिया गया, तो ये हमें सेट मिल जाएगा. ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, कन्वर्जन टाइप ऑफ सेट. टाइप ऑफ सेट, कितने तरह के सेट होते हैं. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कह सकते हैं, सेट को कई पार्ट पे डिवाइड किया गया है. जैसे पहला इम्पटी, सेकेंड फाइनाइट, थर्ड इनफाइनाइट. फोर्थ आ जाएगा आपका, ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है. इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, सिंगल टर्म. हालांकि सिंगल टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंगल टर्म आप भी ऐड आप कर सकते हैं. तो इम्पटी सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया और सिंगल टर्म सेट. इम्पटी सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसपे एक भी एलिमेंट ना हो. याद करिए, मैंने बताया था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एक सेट बनाइए जिसमें x नेचुरल नंबर बिलोंग करे और x की वैल्यू 4 से बड़ी हो, 5 से कम हो. तो आपको ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा जो 4 से बड़ा हो और 5 से, 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो. तो ये जो सेट आपका बनेगा, ये वाला सेट वो इम्पटी होगा. और इम्पटी सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये इम्पटी सेट है, या फिर ये सिंबल बना दीजिए. इसे हम 5 बोलते हैं, ये इम्पटी हो, यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं. इम्पटी सेट 5, ये एक रिप्रेजेंटेशन. अब हम फाइनाइट सेट पे आते हैं. फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो उसके अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, तो नेचुरल नंबर में क्या नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है. आप कहेंगे कि 10,000 एलिमेंट आ गए नेचुरल नंबर में, मैं कहूंगा उससे आगे वाला भी ले लो, नेचुरल नंबर में एक और आ जाएगा 10,000. तो नेचुरल नंबर ही नहीं डिफाइन है, तो उसका सेट कहां से फिक्स होगा. नेचुरल नंबर तो ढेर सारे होते हैं ना, इनफाइनाइट तक होते हैं. तो इनफाइनाइट होते हैं, वो फाइनाइट नहीं रहेंगे. और इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि एक सेट बनाओ ऐसे नंबर्स का जो 5 से डिविजिबल हो जाए और 15 से कम हो, तो 5 से डिविजिबल होने वाले, 15 से कम नेचुरल नंबर होने चाहिए. 5 से डिवाइड होने वाले, 15 से कम, कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 5 और 10, यही तो दो नंबर होंगे. अगर ये दो नंबर 5 और 10 होंगे तो वो फाइनाइट होंगे. सिर्फ दो एलिमेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट में फिक्स है तो वो फाइनाइट कहलाएगा. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट में फिक्स नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो वो इनफाइनाइट कहलाएगा. सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है, लास्ट टॉपिक, सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेट, एक ही एलिमेंट आएगा सिंगलटन सेट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह दूं कि डिविजर ऑफ 5 नेचुरल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सेट बनाओ जिसमें क्या हो, ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जो 5 से डिवाइड हो जाए एंड 10 से लेस हो या 7 से लेस हो, 5 से डिवाइड हो जाए 7 से लेस हो, तो उसका सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 5, तो वो सिंगल सेट, सिंगल टर्म सेट का फॉर्म आ जाएगा. तो ये हो गए. फिर ऑन द बेसिस, फिर एक अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम बोलेंगे कि उसमें सेट को कई पार्ट में और भी डिफाइन किया गया. जैसे पहला पार्ट आता है इक्वल सेट. नेक्स्ट आता है एक सबसेट, ये कुछ टाइप्स हैं सबसेट. थर्ड आएगा पावर सेट, ये थियोरेटिकल डिवीजन है. देन यूनिवर्सल सेट, ये फोर अदर टाइप के सेट है. आपको इसे पढ़ना है. इक्वल सेट तो बेसिकली कंपेरिजन है दो सेट्स के बीच में, टू सेट्स का आपस में इक्वल होंगे.
और फिर सबसेट, सबसेट का मतलब आप समझ रहे हैं एक सेट का छोटा पार्ट, यानी एक सेट का छोटा पार्ट उससे छोटा सेट। फिर आएगा पावर सेट, देन यूनिवर्सल सेट। चारों के बारे में हम एक वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले इक्वल सेट, टू सेट अगर इक्वल है, दो सेट इक्वल होने की कंडीशन मैंने पहले ही बता चुका हूं जब मैं शुरुआत में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था सेट में, कि कोई सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं और ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहां पे आ जाता है एलिमेंट कि दो सेट, अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर इसमें जो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं और इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, दोनों में सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, नो मैटर हाउ इट्स ऑर्डर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस इतना फर्क पड़ता है कि दोनों में सेम एलिमेंट अगर बिलोंग कर रहे हैं तो वो दोनों सेट ए और बी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इसमें वन टू थ्री है और इसमें टू वन थ्री है, टू वन थ्री है, तो वन टू थ्री इसमें भी लाई कर रहा है, वन टू थ्री इसमें भी लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे ए और बी आपस में इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल, तो ये इक्वल सेट होगा, ए एंड बी इज इक्वल सेट। तो पहला टॉपिक हो गया इक्वल सेट। अब हम पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। अब इसका क्या मतलब देखिए, अगर मैं कहता हूं कि एक ए सेट है वन टू थ्री और मैं कुछ और सेट बनाऊ जैसे बी सी डी, कुछ और सेट बनाता हूं और बी मैंने सेट बनाया वन टू, सी मैंने सेट बनाया वन थ्री, डी मैंने सेट बनाया वन टू, ई बना दिया थ्री, इस तरह से मैं ढेर सारे सेट बनाऊं और एक एक सेट मैंने एन बना दिया इम्पर्टी, इस तरह से अगर मैं ढेर सारे सेट बनाऊं तो ये सारे सेट में देखिए वो ये ऐसे सेट्स हैं जिनके एलिमेंट मस्ट लाई कर रहे हैं ए में, जिनके एलिमेंट कहां है ए में लाई कर रहे हैं। जैसे अगर बी में वन टू है तो इसमें भी क्या वन टू, इसमें वन थ्री तो इसमें भी वन थ्री है, टू है टू है, थ्री है थ्री है, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें भी, इसमें तो इतने सारे हैं तो कुछ नहीं तो सब में लाई करता है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे जो सेट है जितने भी सेट है ये सब सबसेट ऑफ ए कहलाते हैं। ए से डिराइव्ड है, ए से डिराइव्ड है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी एलिमेंट इन सारे सेट में लाई कर रहा है वो एलिमेंट उसमें भी है, तो ये सारे सेट उसके सबसेट है। सबसेट कहने का मतलब अगर मैं एक सेट बी लिखता हूँ, एक ए लिखता हूँ, एक बी लिखता हूँ एक ए, और मैं कहता हूँ कि बी जो सबसेट ऑफ ए, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, बी जो सबसेट ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसका मतलब बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो ए में भी है, बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो ए में है, बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो ऑलरेडी ए में है, ठीक है। तो ये सबसेट का मतलब होता है, सबसेट का मतलब उसका छोटा सेट, उसी से निकाला गया। तो जैसे देखिए वन टू इसका छोटा सेट है, सिर्फ दो एलिमेंट लेके बना दिया, टू और थ्री को एक बार लेके बना दिया, एक बार वन और थ्री को लेके बना दिया, एक बार सिर्फ टू ले लिया, एक बार सिर्फ थ्री ले लिया, तो ये होता है सबसेट का मतलब, सबसेट का मतलब उसका छोटा सेट। तो अगर मैं बोलता हूं बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहा है वो सब मस्ट है ए में लाई कर रहे हैं, अगर बी इज सबसेट ऑफ ए है तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। देखिए जो इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, इम्पटी सेट इसका भी सबसेट है, इम्पटी सेट इसका भी सबसेट है, इम्पटी सेट इसका भी सबसेट है, इम्पटी सेट हर एक सबसेट, हर एक सेट का सबसेट होता है, ये एक पॉइंट है नोट करने वाला। और दूसरा ये, जब मैंने डिफाइन किया बी जो सबसेट ऑफ ए, तो मैंने ये कहा कि बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो ए में लाई करने चाहिए, बी में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो ए में लाई करने चाहिए, तो इसका मतलब आप ये देखिए, अच्छा अगर मैं ये लाइन लिखूं तो क्या ये गलत हो जाएगा, ए जो सबसेट ऑफ ए, मैंने डिफाइन कैसे किया था, मैंने डिफाइन इस तरह से किया था कि बी में जो भी लाई कर रहा है वो ए में लाई करना चाहिए, बी में जो भी लाई कर रहा है वो ए में लाई करना चाहिए, तो यहां तो हो ही रहा, अगर ये भी ए सेट है ये भी ए सेट है तो इसमें जो लाई कर रहा है वो इसमें लाई करेगा, यानी ये कंडीशन सही हो रही है, ये कंडीशन सही हो तो ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, यानी हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट होता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको आपको पता चली, दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, जैसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है और इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है।
थर्ड टॉपिक सबसेट के लिए होगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर सेट के हाउ कितने नंबर आप सबसेट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सेट देता हूं छोटा सा 1,2 सिर्फ दो एलिमेंट का दे दूं, तो इसके आप कितने सबसेट बना सकते हैं? तो इसके सबसेट बनाने जाएंगे तो एक तो हमारा सिंगल एलिमेंट से बनाएंगे 1 और एक 2 बनेगा। अगर दोनों को एक साथ ले ले तो 1 और 2 बन जाएगा, अगर किसी को ना ले तो इम्पटर बन जाएगा। इसके बजाय आप कुछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो सिर्फ कितने बने? 1, 2, 3, 4। तो अगर 2 एलिमेंट होंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हुए तो नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो बनता है 4। अभी और भी देखते हैं। फिर अगर मैं ए में 3 एलिमेंट ले लूं, 1, 2, 3 3 एलिमेंट ले लेता हूं, तो अगर आप सेट बनाने जाएंगे तो एक तो सिर्फ सिंगल एलिमेंट का बना सकते हैं, सिंगल एलिमेंट के 3 बनेंगे, डबल एलिमेंट के बनाने चाहे तो 1, 2, 2, 3 और 3, 1 बनेंगे। एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, और एक बार तीनों को एक साथ बनाया तो 1, 2, 3 बनेगा। और इम्पटी से ये इटसेल्फ हो गया, ए इज इटसेल्फ। एक बार 5 लिख सकते हैं, 5 सबका सबसेट होता है, तो कितने बन गए? 8। 2 बन रहे थे तो आंसर 4 आ रहा है, 3 है तो 8 आ रहा है। इसी तरह से अगर एन एलिमेंट होंगे ए सबसेट में, ए सेट में, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power n। किसी एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके 2 to the power n सबसेट बनते हैं। जैसे 3, इसमें 3 एलिमेंट है तो 2 to the power 3 इसके सबसेट होंगे। 2 to the power 3 की वैल्यू 8 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनते। तो अगर एक किसी सेट में n एलिमेंट होंगे तो उसके 2 to the power n सबसेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वल सेट हो गया, सबसेट हो गया, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। देखिए पावर सेट बहुत ही सिंपल है। पावर सेट का क्या मतलब होता है? किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं उन सबको अगर एक सेट में डाल दिया जाए तो वो पावर सेट कहलाता है। मतलब किसी सेट के, कोई भी एक सेट है ए, जिसके उसके सबसेट देख लीजिए कौन कौन से बन रहे हैं। उसके सबसेट एक तो 1 बनेगा, एक तो कुछ नहीं इम्पटी, एक तो 1 एलिमेंट वाले 2 हो जाएंगे, फिर एक दोनों एलिमेंट को एक साथ लेके ये हो जाएगा। एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये, 4 सबसेट बने। इन सब का एक सेट बनाइए, इन सब इन सारे चारों सेट का एक सेट बनाएंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा पावर सेट। यानी बी इज द पावर सेट ऑफ ए, बी इज द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सेट। सेट ऑफ सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ सबसेट बोल सकते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट का सेट, किसी पर्टिकुलर सेट के सबसेट का सेट तो वो पावर ऑफ सेट बोला जाएगा, पावर सेट बोला जाएगा उसका। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट देखिए क्या होता है। यूनिवर्सल सेट बेसिकली डिफाइन किया गया है, यूनिवर्सल सेट अगर आपके पास एक दो या एक सेट ए दे दिया, एक बी दे दिया, एक सी दे दिया, इसमें बोल दिया ये 1 और 2 लाई कर रहे हैं, इसमें बोल दिया ये 4 और 5 लाई कर रहे हैं, इसमें बोल दिया ये 7 और 9 लाई कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन सब के एलिमेंट लाई करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी होगा। यानी यूनिवर्सल सेट से कुछ बचा नहीं, कोई भी आप सेट बनाएंगे तो वो सेट यूनिवर्सल सेट में जरूर लाई करेगा। तो अगर मैं इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं, मैं क्या करूंगा, 1, 2, 4, 5, 7, 9 और कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं टाइम हो जाएगा, तो ये यूनिवर्सल सेट डैश डैश है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट लाई करते हैं जो किसी भी सेट में होंगे। 1, 2 यहाँ है तो 1, 2 यूनिवर्सल में भी है, 4, 5 यहाँ है तो 4, 5 यूनिवर्सल में भी है, 7, 9 यहाँ है तो 7, 9 यूनिवर्सल में भी है। इस तरह से यूनिवर्सल सेट बनता है। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेट सपोज ए गिवन है 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए एक सेट है, एक सेट है, एक के अंदर कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक सेट है जिसमें 1 लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, एक सेट लाई कर रहा है और 5 लाई कर रहा है। एक सेट है जिसमें 1 है, 2 है, 3, 4 का एक सेट है और 5 है। यानी ए के एलिमेंट कौन कौन से? ए का एक एलिमेंट 1 है, ए का एक एलिमेंट 2 है, ए का एक एलिमेंट एक सेट है और ए का एक एलिमेंट 5।
हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए. 3,4 एक ए का सबसेट है. देखिए जब भी हम सबसेट को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे आप देखिए अगर मैं एक सेट पर आता हूं, मान लीजिए B1,2 लिख देता हूं और आप इसके सबसेट बनाइए, तो इसके सबसेट कैसे बनाते हैं, एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और फिर कहते हैं ये एक सबसेट बना. एलिमेंट सेलेक्ट किया उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट सेलेक्ट किया उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया, तो ये तीनों सबसेट बनते हैं. यहां पे भी वही कह रहा है कि ये एक एलिमेंट है, ये ए का सबसेट है. एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, एक सेट किसी सेट का सबसेट होता है. हम बोलते हैं कि ये जो सेट है वो बी का सबसेट है, लेकिन क्या 3,4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 इसका सेट है, इसका कोई छोटा सेट है? नहीं, ये इसका एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट. अगर इस एलिमेंट पे मैं एक बार और कर्ली ब्रैकेट लगा देता तो ये एक ऐसा सेट बनता जो एक एलिमेंट कंसिडर किया, सिर्फ सिंगल एलिमेंट कंसिडर किया, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए कंसिडर किया होगा, सिंगल एलिमेंट ऑफ ए, तब वो सबसेट ऑफ ए बनता. अभी वो सबसेट ऑफ ए नहीं है, अभी ये उसमें बिलोंग्स कर रहा है. ये अगर ये सिंबल होता तो सही होता, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू ए. अभी हम इसे एलिमेंट बोलेंगे, सेट ए का एलिमेंट है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया. 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू है, 3,4 ए में बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट, अभी जो मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट लिखा, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक सिंगल एलिमेंट ऑफ ए का सेट है ये, और वो इज ए सबसेट ऑफ ए का सबसेट होगा. हाँ, अब ये ट्रू है, अब ये सबसेट होगा. नेक्स्ट, 1 belongs to A, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है, 1 एक एलिमेंट है जो ए में बिलोंग कर रहा है. 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता. ये होगा सेट इंक्लूडिंग 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है. फिर 1 to 5 का एक सेट है, इज ए सबसेट ऑफ ए. 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 ए से लिए गए हैं, उनका एक सेट बनाया गया, इज ए सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अबाउट सर्टेन ऑपरेशन. देखिए सेट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं. ए यूनियन बी, एक ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी, एक ऑपरेशन है ए माइनस बी, ये तीन ऑपरेशन है. फोर्थ ऑपरेशन ए कॉम्प्लीमेंट, ये फोर ऑपरेशन है जो जनरली सेट में बिलोंग्स करते हैं, सेट में आते हैं, ये चारों ऑपरेशन जनरली सेट में होते हैं. ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे ये परफॉर्म किए जाते हैं. ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है, देखिए ए सेट है, बी सेट है, तो ए यूनियन बी भी एक सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट आएगा, ए माइनस बी, इसे यूनियन बोला जाता है, इसे इंटरसेक्शन, इसे माइनस, इसे कॉम्प्लीमेंट, ए के बाद कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है. तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब ऐसा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे. मतलब ए यूनियन बी में एक ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे जो या तो ए में ना हो या तो बी में ना हो, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें होंगे. अगर मैं एक सेट बनाता हूं 1 2 3 और बी एक सेट बनाता हूं 7 8 9 और 4 और 2, इस तरह से अगर मैं बना देता हूं, तो ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी में जो लाई करेगा वो एक्स होगा, ए यूनियन बी में जो लाई करेगा वो एक्स होगा. एक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू ए, और या तो वो एक्स ए में बिलोंग करेगा और या एक्स बिलोंग्स टू बी, बस इतनी सी प्रॉपर्टी. ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया कि ए यूनियन बी में एक्स आएगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा, एक्स. एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा या तो एक्स बी में बिलोंग करेगा. तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, या तो एक्स ए में बिलोंग करेगा, ए के सारे एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 आ गए, या तो एक्स बी में बिलोंग करेगा, बी वाले भी लेते हैं 7 8 9. अब फिर 4 पे जाएंगे, 4 आ गया, 2 पे जाएंगे, लेकिन 2 ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए 2 को फिर से सेलेक्ट नहीं करेंगे.
तो ये ए यूनिट बी का आंसर आ जाएगा, ए यूनिट बी का आंसर आ जाएगा। ए यूनिट बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में बिलोंग करें या तो बी में बिलोंग करें। तो ए और बी के सारे एलिमेंट ले लेंगे, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये देखिएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन किया जाता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो एक्स होगा, वो एक्स होगा। एक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। यानी ये दोनों चीजें एंड आ गया, यानी दोनों चीजें होना चाहिए, एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए एक्स एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए और एक्स बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। यानी ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में है? देखिए टू, टू यहां भी है यहां भी है। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, सिर्फ टू, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टू। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है। नेक्स्ट ए माइनस बी, ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? देखिए ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ये ए माइनस बी का मतलब होता है। अच्छा ए माइनस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, इसी तरह से बी माइनस ए का मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। अभी हमने पढ़ा दो प्रॉपर्टी जो ए यूनियन बी, बी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी भी उसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता, ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होता। कैसे? इसका मतलब निकलता है बी और ए में जो दोनों में हो, ले लीजिए बी और ए जो या तो ए में लाई करे या तो बी में लाई करे, इसका या तो बी में लाई करे या तो ए में, इसका मतलब जो या तो ए में लाई करे या तो बी में लाई करे, तो दोनों बातें एक ही है, दोनों तरह से बोलना। इसका मतलब ए में भी लाई करना चाहिए, बी में भी लाई करना चाहिए। किसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, बी में भी लाई करना चाहिए, ए में भी लाई करना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में कोई मैटर नहीं है, दोनों सेम है। लेकिन अगर आप यहां बात करते हैं तो इसे मैंने डिफाइन किया ए के वो एलिमेंट लिखना है, हमें इस सेट में एक एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, और यहां ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ये इसका मतलब है। इसका मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, तो ये इक्वल नहीं होगा। इसमें आएंगे बी के एलिमेंट, इसमें आएंगे ए के एलिमेंट, तो कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं होंगे। तो देखिए ए माइनस बी को डिफाइन किया है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं ए, वन टू थ्री फोर, एक सेट ले लेते हैं बी, सेवन टू फोर। अब हम ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं, ए में से बी को निकाल देना है, ए में से ए के वो एलिमेंट लेने हैं, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। ए के कौन से एलिमेंट? वन, वन बी में है नहीं है, टू, टू बी में है तो टू को नहीं लेंगे, थ्री, थ्री बी में है नहीं है ले लेंगे, फोर, फोर बी में है तो बी को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ए माइनस बी वन थ्री फोर है, वन वन थ्री आएगा। बी माइनस ए क्या आएगा? बी के वो एलिमेंट लेना जो ए में ना हो, सेवन ए में है नहीं है ले लिया, टू ए में है नहीं लेंगे, फोर ए में है नहीं लेंगे, तो सिर्फ ये। तो आप देख सकते हैं ए माइनस बी बी माइनस ए बराबर नहीं, तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब होता है। यह ऑपरेशन है, सर्टेन ऑपरेशन जो सेट के साथ किए जाते हैं। नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट, ए के वो एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब ले लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी सब ले लो। कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट जब भी डिफाइन किया जाता है तो ये यूनिवर्सल सेट पे ही डिफाइन किया जाता है। अगर एक यूनिवर्सल सेट है, सपोज करिए एक यूनिवर्सल सेट ए है वन कॉमा टू कॉमा थ्री फोर, अरे इसके लिए यूनिवर्सल सेट वन टू फोर सेवन नाइन हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट के एलिमेंट आते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट है क्या? नहीं है, थ्री नहीं है, तो थ्री भी होना चाहिए इसमें, तब जाके यूनिवर्सल बने। वन टू थ्री फोर, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट सेवन नाइन टेन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सल को इस तरह से डिफाइन करूं, कहूं ये यूनिवर्सल है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, यानी यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट लिखना जो ए में ना हो। वो कौन कौन से एलिमेंट है? वन टू थ्री फोर तो है, सेवन नाइन नहीं, तो सेवन नाइन आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़कर बाकी निकाल दो, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है।
अब एक टर्म आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट एक अलग टाइप का एक सेट है। अगर मैं कहता हूँ ये बेसिकली कंपैरिजन वाले सेट है, जैसे इक्वल सेट दो सेट में कंपेयर के लिए होता है, उसी तरह से डिसजॉइंट सेट भी टू सेट में कंपेयर के लिए होता है। अगर मैं बोलूं ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, ए और बी आपस में डिसजॉइंट है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? डिसजॉइंट होने का मतलब ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, ए और बी में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आएगा। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब निकल के आता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। इम्पटी आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, फाई का मैंने मतलब क्या बताया था, इम्पटी से। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब फाई आएगा या इम्पटी।